नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजातरीन खबरों पर। धार जिला पुलिस अधीक्षक ने बीते 2 माह से मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों की पुलिस लाइन में बने शासकीय आवासों से ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम देने वाले शातिर बदमाशों को साइबर क्राइम ब्रांच टीम द्वारा पर्दाफाश कर पकड़ने में सफलता की जानकारी देते हुए बताया कि खंडवा, खरगोन, होशंगाबाद, हरदा एवं देवास जिलों की पुलिस लाइनों में 35 पुलिस अधिकारी कर्मचारियों के आवासों से करीब 16,35,000 रुपये के सोना चांदी के आभूषण और चोरी करने और चोरी करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सामान को पुलिस ने जब्त किया है। पकड़ाए आरोपियों में पान सिंह अमरिया निवासी बगोली टांग पकड़ाए आरोपियों में पान सिंह अमरिया निवासी बगोली थाना टांडा, अंबाराम भूरिया निवासी गातला थाना टांडा, दीपेंद्र मोहनिया निवासी अलीराजपुर है। वहीं चोरी किए जाने वाले सामग्री को बिकवाने की भूमिका निभाने वाले बिचौलिए 20,000 रुपए के नामी आरोपी, जिस पर महाराष्ट्र व तेलंगाना में भी लूट डकैती, चोरी के आभूषण खरीदने, बिकवाने व शराब बेचने के 64 मामले भी दर्ज हैं। रमेश नरसिंह चौहान को भी टांडा पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं सामान खरीदार अलीराजपुर जिले के बोरी निवासी गौरव जैन, जिस पर चोरी डकैती की सामग्री खरीदने के 4 प्रकरण दर्ज हैं, उसे पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में साइबर क्राइम ब्रांच के निरीक्षक दिनेश शर्मा को सूचना मिली थी कि संदिग्ध आरोपी विगत दिवस गंगवाल बस स्टैंड इंदौर से छावड़ा बस में सवार होकर कुक्षी की ओर जाने वाले हैं, जिस पर साइबर क्राइम ब्रांच के दिनेश शर्मा उसी बस में बैठकर रवाना हुए और विभाग को सूचना देकर इंदौर अहमदाबाद फोरलेन पर धार तिल्डा के बीच नाकेबंदी कर तीनों संदिग्धों को सामान सहित पूछताछ करने बस से उतारा। वह पूरे मामले में आरोपियों से खुलासा हुआ है और जब्त सामग्री दिन में सोने चांदी के आभूषण, चोरी की घटना में उपयोग किए जाने वाले सामान, जिनकी कुल कीमत 16,35,000 है। जिला पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह के अनुसार आरोपी सिलसिलेवार सुनियोजित तरीके से पुलिस लाइन में बने शासकीय आवासों को टारगेट करते थे और इनके पास मिले सामान में लाखों के आभूषण, चोरी में उपयोग की जाने वाली सामग्री आदि जब्त की है और सघन पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म करना भी स्वीकार किया है और कई खुलासे किए। पुलिस फिलहाल आरोपियों से और पूछताछ कर रही है, जिनसे कई और गंभीर खुलासे होने की संभावना है। देखिए, आज धार पुलिस सभागृह में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें पुलिस ने गैंग को पकड़ा है, जिसमें 4 लोग अरेस्ट हुए हैं, जिसमें 3 चोर हैं और 1 रिसीवर है। इसमें हमारी टीम, जिसमें हमारे सभी अधिकारी, हमारी साइबर की टीम इसमें लगातार लगी हुई थी और इसमें पुलिस ने जो 4 आरोपी हैं, पान सिंह, अंबाराम, दीपेंद्र और रमेश चौहान, इन 4 लोगों को पकड़ा है, जिसमें से 3 चोर हैं और 1 रिसीवर है। इन्हें हमारी टीम ने जो है लगातार फॉलो करते पकड़ा। ये जो पूरा गैंग था, ये लोग पुलिस लाइन में चोरी करते थे, जिसमें इन्होंने खंडवा, खरगोन, हरदा, देवास पुलिस लाइन में चोरी की और होशंगाबाद में प्रयास किया। इन सभी आरोपियों से अभी तक करीब 16,35,000 का मशरूका, जिसमें 300 ग्राम सोने के आभूषण हैं, 2 किलो चांदी के आभूषण हैं और नकद करीब 9,000 रुपये इनसे रिकवर किया गया है। और इसमें जो रमेश चौहान है, वो एक बिग टाइम रिसीवर है, जिसको तेलंगाना, आंध्र प्रदेश की पुलिस भी के यहाँ भी वो वांटेड है। 100 से अधिक मामले जो हैं जिसमें वो फरार है। अभी तक जो हमारे पास डिटेल्स आई हैं, उसमें करीब 64 मामलों में वो वांटेड है और अभी इन्वेस्टिगेशन ऑन है, आगे भी कार्रवाई की जाएगी। और जो एक गौरव जैन, जो ये सब माल खरीदता था, जो ओरिजिनली बोरी से है पर अभी इंदौर में रहता है, तो उस वो भी इसमें आरोपी है, जिसकी तलाश की जा रही है। इसमें सर पुलिस लाइन को टारगेट बनाया गया है, सर क्या कारण रहा सर? देखिए, पुलिस लाइन को टारगेट बनाने का कारण ये था कि क्योंकि ये पूर्व में भी चोरी के और अन्य प्रकरणों में रहे हैं और जेल जाते रहे हैं, तो इनके मन में ऐसा था कि हमें पुलिस से बदला लेना है और इनका टारगेट ये था कि सभी पुलिस लाइन में जाएंगे और एक एक करके सभी पुलिस लाइन में चोरी करेंगे। ऐसे में इन्होंने खंडवा, खरगोन, हरदा, देवास और होशंगाबाद में भी इन्होंने प्रयास किए और कई जगह सफल भी हुए और अभी इनसे जो है करीब 16,35,000 का मशरूका रिकवर किया गया है। और क्योंकि इनको पुलिस से रिवेंज लेना था, इस कारण से ये लगातार घटनाएं करते हैं। सर ये कैसे पकड़ में आए? एक गंगवाल बस स्टैंड से हमारी जो टीम है, उनको एक इंडिकेशन मिला था और हमारे क्राइम प्रभारी दिनेश शर्मा वो उसी बस में थे। लगातार जो ऑब्जर्वेशन, जिसको स्किल्स कहते हैं, उस पर वर्क उन्होंने किया, तो उसके बाद टीम को इन्फॉर्म किया और धार में जो है इस गैंग को पकड़ा गया। ठीक सर, थैंक यू। धार से खबर समय जगत के लिए अल्ताफ खान की रिपोर्ट।
फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।